वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ फार्मिंग इंजीनियर। तो आज हम बात करने वाले हैं यूरिया के ऊपर और यूरिया फर्टिलाइजर को खेतों में क्यों यूज किया जाता है और यूरिया जो है वो कैसे मैन्युफैक्चर किया जाता है। तो ये पूरी प्रोसेस इस वीडियो में है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन का बटन दबा दो। यूरिया समझने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट समझ लेते हैं कि इस पूरी पृथ्वी के ऊपर अगर कोई भी चीज एग्जिस्ट करती है, चाहे वो क्रिएचर हो, ह्यूमन हो, एनिमल हो या फिर प्लांट्स हो, तो उनका मेन मकसद यही है कि यहाँ पे फलना फूलना और आगे रिप्रोड्यूस करना। तो प्लांट्स भी अपने रिप्रोडक्शन के लिए या कि कहीं वो एग्जिस्ट ना हो जाए इस वजह से सीड्स बनाते हैं और वो सीड्स के रैप अराउंड एक फ्रूट बनाते हैं जो सीड्स को जर्मिनेट होने के बाद कुछ न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर सके। हमारे आपके खाने के लिए नहीं, वो उसके खुद के जुगाड़ के लिए होता है। तो ये फ्रूट्स अगर देखा जाए तो एक प्लांट को ज्यादातर 10-20 अगर फ्रूट भी आ जाए, चाहे वो आम का हो या एप्पल का हो, फ्रूट्स आ जाए तो वो नीचे जाके जर्मिनेट होने का जो अगर डेथ रेट भी अगर उसका देखा जाए, फिर भी 1-2 प्लांट्स तो आ ही जाते हैं साल में, तो वो उसके लिए उतना सफिशिएंट होता है। बट प्लांट के इकोसिस्टम के बाहर एक और इकोसिस्टम एग्जिस्ट करती है जो ह्यूमंस की और एनिमल्स की होती है, जो कंप्लीटली उन फ्रूट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो अगर आप पूरे पृथ्वी के बारे में देखेंगे तो 70% तो यहाँ पे पूरा पानी है, बाकी का बचा 30% उसके अंदर लैंड है, बट उसमें से भी फर्टाइल लैंड जो है वो बहुत कम है, क्योंकि आधे से ज्यादा पार्ट जो है वो डेजर्ट एरिया है और कुछ पार्ट जो है वो एकदम हार्श एनवायरमेंटल कंडीशंस, पूरा बर्फ से ढका हुआ या फिर रेगुलर बर्फ पड़ती है, बारिश कंटिन्यूस होती है, तो वो लैंड में आप प्लांट्स अच्छी तरह से ग्रो नहीं कर पाते। अब पॉपुलेशन तो डे बाय डे आपका बढ़ता जा रहा है मगर लैंड उतना ही है, तो हमारे पास एक ही चारा है कि जितना हो सके उस प्लांट्स के अंदर से प्रोडक्शन को हम बढ़ा सकें और वो हमारे कंजम्पशन के लिए यूज कर सकें। तो अब देखते हैं कि एक प्लांट को ग्रो करने के लिए क्या क्या चाहिए होता है। ज़्यादातर अगर देखा जाए तो प्लांट को सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलता है, उसके बाद सॉइल मॉइस्चर जिसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट होते हैं। तो अमूमन प्लांट को कुछ 16 प्रकार के न्यूट्रिएंट्स लगते हैं जिसमें से मेजर जो होते हैं वो NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटैश। बाकी के न्यूट्रिएंट के बारे में या फिर प्लांट किस तरह से अपटेक करते हैं उसके बारे में हम किसी और वीडियो में डिस्कस कर सकते हैं। तो अभी इस NPK के ऊपर फोकस करते हैं, N यानी नाइट्रोजन, P यानी फॉस्फोरस, K यानी पोटैश। तो यूरिया जो है वो एक नाइट्रोजन का बहुत बड़ा सोर्स है जिसमें 46% आपको नाइट्रोजन मिलता है। फॉस्फोरस और पोटैश के लिए हम DAP यूज करते हैं, तो DAP के ऊपर भी एक वीडियो बना सकते हैं। आपको अगर क्यूरियोसिटी होगी कि DAP कैसे बनता है, कैसे वर्क करता है, तो मुझे जरूर नीचे कमेंट में DAP लिख के बता दीजिएगा, तो हम उसके ऊपर बना सकते हैं। तो नाइट्रोजन जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एक प्लांट के ग्रोथ के अंदर, क्योंकि प्लांट के अंदर प्रोटीन बिल्डअप करना या क्लोरोफिल डेवलप करना ये नाइट्रोजन का काम होता है, और क्लोरोफिल हेल्प करता है सनलाइट की एनर्जी को फूड के अंदर कन्वर्ट करने के लिए, तो नाइट्रोजन का बहुत बड़ा रोल है। वैसे तो हवा के अंदर 78% ये नाइट्रोजन ही है, 21% ऑक्सीजन है, बाकी का 1% जो है बाकी के जो गैसेज हैं वो सब। इतना नाइट्रोजन अवेलेबल होने के बावजूद हमें प्लांट्स को एडिशनल सप्लाई करना चाहिए जो कि रूट्स के थ्रू प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है, तो उस नाइट्रोजन के लिए हमें यूरिया की जरूरत पड़ती है। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यूरिया कैसे तैयार किया जाता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि यूरिया के अंदर नाइट्रोजन होता है, बट ये नाइट्रोजन एक गैस होती है जिसे लिक्विड या सॉलिड में कन्वर्ट करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, और उसके लिए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है जिसके लिए बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगाई जाती हैं। इंडिया में अभी सिर्फ 20% ही यूरिया इंपोर्ट किया जाता है, बाकी का 80% ऑलमोस्ट इंडिया में ही प्रोड्यूस होता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया यूरिया के अंदर नाइट्रोजन होता है और इस नाइट्रोजन गैस को एक्सट्रैक्ट किया जाता है एनवायरनमेंट से, साथ में जमीन के अंदर से नेचुरल गैस में से एक्सट्रैक्ट किया जाता है हाइड्रोजन। इन दोनों गैसेस को बॉन्ड किया जाता है और बनाया जाता है अमोनिया। अब इस अमोनिया गैस को रिएक्ट कराया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को भी आप नेचुरल गैस से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो या फिर एनवायरनमेंट से भी ले सकते हो। तो इन दोनों को रिएक्शन किया जाता है एक बड़े से सिंथेसाइजर के अंदर। तो ये रिएक्शन बहुत ही एक्सोथर्मिक होती है, यानी बहुत सा टेम्परेचर जनरेट करता है। इस टेम्परेचर को आगे की प्रोसेस के लिए यूज किया जाता है। ये लिक्विड जो अमोनियम कार्बामेट है इसे अगले प्रोसेस के अंदर टेम्परेचर इसके अंदर ऐड करते हैं ताकि इसके अंदर का जितना भी वाटर है वो इवेपोरेट हो जाए या हम उस वाटर को अलग कर सकें और जितना हो सके कॉन्सेंट्रेटेड लिक्विड अमोनियम कार्बामेट हमें मिल पाए। इस अमोनियम कार्बामेट को अब अगले स्टेज में लेके जाते हैं जिसके अंदर इसके बॉल्स बनाए जाते हैं। अब ये बॉल्स जो है आपने यूरिया का भी देखा होगा, बहुत ही बारीक और इक्वल साइज के बॉल्स मिलते हैं। इसे बनाया जाता है एक बड़े से टावर के अंदर जिसका नाम होता है प्रिलिंग टावर। अगर आपने बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज देखी होंगी आपको बड़े बड़े ऐसे लंबे टावर दिखते रहेंगे, तो मोस्ट ऑफ द
टाइम ऐसा होता है कि बड़े बड़े टावर मोस्टली चिमनी होती है। चिमनी का काम यह होता है कि कहीं अगर बॉयलर चल रहा है या फिर कहीं कोई गर्म गैसेस का काम चल रहा है तो वो गैसेस को गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से आप नॉर्मल एनवायरनमेंट में ऐसे कैसे नहीं छोड़ते, आप उसको ठंडा करके आपको छोड़ना होता है। तो सेम प्रोसेस के लिए चिमनी, लंबी लंबी चिमनी लगाई जाती है ताकि ऊपर जाते वक्त वो ठंडा हो जाए और वो बाहर निकल जाए। बट प्रिलिंग टावर इसके उल्टा काम करता है। प्रिलिंग टावर के ऊपर इस लिक्विड को स्प्रे किया जाता है। अब इस स्प्रे करने से फायदा ये होता है कि जब भी ये लिक्विड स्प्रे होता है और नीचे से ठंडी हवाएं पास की जाती है तो इन बिटवीन द वे वो क्रिस्टलाइट हो जाता है और वो उसके छोटे छोटे जो है बॉल्स तैयार हो जाते हैं और वो बॉल्स टावर के नीचे कलेक्ट हो जाते हैं। तो अब एक बड़े से ब्लेड के हेल्प से इन सारे बॉल्स को इकट्ठा किया जाता है और एक कन्वेयर के ऊपर से पास किया जाता है। अब यहाँ पे आता है हमारा दूसरा प्रोसेस जिसे बोलते हैं नीम कोटेड। अभी अगर आप मार्केट में देखोगे ना तो आपको यूरिया नीम कोटेड के फॉर्म में मिलेगा। उसके रीजन कुछ ऐसे हैं कि सबसे पहला यूरिया सिर्फ एग्रीकल्चर में नहीं यूज होता है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, सोप मैन्युफैक्चरिंग में होता है, डिटर्जेंट मैन्युफैक्चरिंग में होता है, बहुत सारे फीड में, एनिमल फीड में यूज होता है, अलग अलग काम में यूज किया जाता है। बट गवर्नमेंट जो है वो यूरिया के ऊपर सब्सिडी देती है। जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था, किसानों को मोस्टली 270-280 रुपए में 45 केजीज का एक बैग मिल जाता है। उसका कमर्शियल यूज ना कर पाए इस वजह से उसके ऊपर नीम का स्प्रे किया जाता है। इससे फायदा एक होता है कि तो एक तो नीम होने की वजह से दूसरे किसी प्रोसेस में इसको यूज नहीं कर सकते, और नीम जो है वो जमीन के अंदर अगर जाता है तो जो भी खतरनाक कीट होते हैं जो प्लांट को खराब कर सकते हैं वो आसपास नहीं भटक। तो इस वजह से इसके ऊपर कन्वेयर के थ्रू ही एक नीम का स्प्रे करते हैं और बाद में लेके जाते हैं बैगिंग लाइन में, जिसे 45 केजी के वजन करके उसके अंदर उसे बैग किया जाता है और उसे भेज दिया जाता है। तो ये तो पूरा प्रोसेस कि यूरिया कैसे बनता है। एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा इसके अंदर कि यूरिया को अप्लाई कैसे किया जाए। आजकल अगर आप देखते होंगे कि कुछ ऐसा सीन बन गया है कि यूरिया बहुत डेंजरस होता है। यूरिया डेंजरस क्यों होता है ये समझना भी बहुत जरूरी है। वैसे तो यूरिया नॉन टॉक्सिक है, तो यूरिया को अप्लाई किया जाना चाहिए जमीन के अंदर। आजकल क्या करते हैं लोग, जमीन के ऊपर जस्ट फेंक देते हैं, वो गलत प्रोसेस है क्योंकि उससे पूरा उसका रोल ही खत्म हो जाता है। जैसे ही यूरिया पानी के कॉन्टेक्ट में आता है वो कन्वर्ट हो जाता है वापस से अमोनिया गैस के अंदर और वो गैस इजीली रिलीज हो जाती है। तो वो हमें नहीं चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको छोटा सा खड्डा खोद के उसके अंदर यूरिया डालना चाहिए प्लांट्स के या फिर सीड के ऑलमोस्ट 10 सेंटीमीटर बाजू में, एकदम सीड के साथ भी नहीं देना है, सीड के 10 सेंटीमीटर बाजू में आप खड्डा कीजिए, उसके अंदर डाल दिए, उसको बंद कर दीजिए, फिर उसके ऊपर पानी अप्लाई कीजिए। उसके बाद जब वो डिसॉल्व होगा तो वो गैस जो है वो सॉइल के अंदर ट्रैप हो जाएगी, रूट्स इजीली उसे अब्सॉर्ब कर सकते हैं, उसके बाद प्लांट्स उसको इजीली सिंथेसाइज कर सकते। तो ये था इसका यूरिया का प्रोसेस। कुछ रह गया होगा तो जरूर नीचे कमेंट में बताना। वैसे तो मुझे लगता नहीं है कुछ रह गया, बट फिर भी अगर ऐसी वीडियोस आपको चाहिए तो मुझे जरूर बताइएगा। सीजन ये थोड़ा खराब चल रहा था, बेमौसम बारिश हो रही है, हमारे ग्रेप्स का भी बहुत नुकसान हो रहा है, तो हम लगे हुए उस काम में। वीडियोस शायद कम आए, कभी रेगुलर नहीं आ पा रहे हैं, बट आएंगे जरूर। अभी दिसंबर का महीना जैसे खत्म होता है या दिसंबर में भी हम रेगुलर वीडियोस करेंगे, उसके बाद भी आपके पास वो वीडियोस आते हैं। और बहुत सा प्लानिंग है शूट का, हमारा प्ले बटन भी आ गया है, उसका वीडियो आपको मम्मी के चैनल पे मिल जाएगा। लगाएंगे यहाँ पे, पीछे लगाएंगे यहाँ पे, कुछ तो भी लगाएंगे, खाली खाली अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो ठीक है फिर इस वीडियो को खत्म करते हैं। आपको कुछ और चाहिए होगा तो मुझे नीचे जरूर कमेंट में लिख के बताइए। ओके, बाय बाय।